दो प्रेमिकाओं और दो पत्नियों वाले रोमांस किंग की अनोखी दास्तां। एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज कई सुपरस्टारों की आवाज बन गई। जब वो कोई रोमांटिक गीत गाते तो जवान दिलों की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। 90 के दशक का एक ऐसा कलाकार जिसने संगीत की परिभाषा ही बदल दी और दुनिया को बताया कि कोई भी सुपरस्टार बन सकता है, बस टैलेंट होना चाहिए। लेकिन इस रोमांस किंग सिंगर की अपनी ही लाइफ में ऐसा तूफान आया कि बात तलाक तक जा पहुंची और लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले इस कलाकार ने कुछ ऐसा कह डाला कि उन्हें अवार्ड देना ही बंद कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर कुमार शानू की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में 20 अक्टूबर 1957 को हिंदू परिवार में कुमार शानू का जन्म हुआ। परिवार ने नाम रखा केदारनाथ भट्टाचार्य। उनकी माँ एक गायिका थी, बड़ी बहन भी रेडियो में नौकरी किया करती थी और घर पर संगीत का माहौल था। उनके पिता का संगीत का स्कूल था जो उनकी बहन आज भी चलाती है। केदारनाथ ने तबला बजाना अपने पिता से ही सीखा था और परिवार के माहौल ने उन्हें एक अच्छा गायक बना दिया। केदारनाथ बचपन से ही अच्छा गाते थे, लेकिन फिर भी फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा। 1979 में कोलकाता के एक होटल में कुमार शानू गाया करते थे, जिनके लिए उन्हें 4,000 रुपए मिलते थे। उन्होंने बांग्ला फिल्म से साल 1986 में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई का रुख किया और शुरुआती दिनों में फुटपाथ पर उन्हें रहना पड़ा, जहां पर उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हो गई और उन्होंने एक मेस में उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। शर्त ये थी कि बस उन्हें 2-4 गाने सुना दिए जाएं। केदारनाथ उनकी शर्त पूरी कर देते हैं और उन्हें खाना पीना फ्री में मिल जाया करता था। उन्होंने चेंबूर के आराधना गेस्ट हाउस में ऑडिशन दिया और विशाल लोगों की भीड़ में मेरे नैना सावन भादो गाना गाया, के लिए उन्हें 9,000 रुपए की टिप मिली और उन्हें ऐसी होटल में नौकरी करने के लिए अपॉइंट कर दिया गया। शुरुआती दिनों में वो अपने गाने को कैसेट बनाकर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते थे, लेकिन कोई उन्हें भाव नहीं देता था। 7 साल तक संघर्ष करने के बाद केदारनाथ ने फिल्म हीरो हीरालाल से हिंदी सिनेमा में गायक के तौर पर शुरुआत की। एक बार वो उनके होटल से सटे स्टूडियो में कैसेट में गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात गजल सम्राट जगजीत सिंह जी से हुई। जब जगजीत सिंह जी ने आवाज सुनी तो केदारनाथ से मिलने चले गए और एक गाना गाने के लिए कहा, जिसके बाद जगजीत सिंह जी ने केदारनाथ एक कागज पर गाना लिख कर दिया और इसे सीखने के लिए कहा। उन्होंने 5 मिनट ही गाना सीख लिया और सुना भी दिया। जगजीत सिंह उनके गाने के स्टाइल से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मौका दे दिया। ये फिल्म थी शत्रुघ्न सिन्हा की आंधियां, जिसके बाद जगजीत सिंह जी ने केदारनाथ को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। ये जोड़ी भी केदारनाथ की आवाज से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें उनकी आवाज किशोर कुमार से मिलती जुलती लगी, इसीलिए तुरंत नाम बदलने का सुझाव दे दिया और उन्होंने इनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार शानू रख दिया। इसके बाद उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर में गाना गाने का मौका भी दिया। लेकिन कुमार शानू को सफलता 1990 में आई फिल्म आशिकी से मिली, जिसके सभी गाने कुमार शानू ने गाए थे और पूरी फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। असल में ये एक म्यूजिक एल्बम के गाने थे, लेकिन गाने हिट होने के बाद इस पर तुरंत फिल्म बना दी गई, जिसका नाम आशिकी रखा गया। इसी फिल्म का गाना अब तेरे बिन जी लेंगे हम के लिए कुमार शानू को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद अगले साल कई सालों तक कुमार शानू को अवार्ड दिए गए। उनके कई गाने सुपर डुपर हिट रहे और कुमार शानू सफलता के शिखर पर पहुंच गए और संगीतकारों की पहली पसंद बन गए कुमार शानू। कुमार शानू पहले ऐसे गायक जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक का लगातार फिल्म फेयर जीता था। हालांकि 5वीं बार अवार्ड जीतने पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं अगली बार इसे कोई और जीते। इसके बाद फिल्म फेयर के आयोजक नाराज हो गए और उन्हें आगे से कोई अवार्ड नहीं दिया गया। कुमार शानू ने बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन एआर रहमान के साथ कभी काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें रहमान का रात में रिकॉर्डिंग करने का तरीका पसंद नहीं है। शानू दा ने कई सुपरहिट गाने गाए, जिसमें मेरी महबूबा, कुछ ना कहो, चांद सितारे फूल और खुशबू, तू मेरी जिंदगी है, अब तेरे बिन शामिल है। उन्होंने 350 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम के गाने भी गाए और उनके नाम एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का भी रिकॉर्ड कायम है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें खुद अपने इस रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं था। अगले दिन जब अखबारों में उन्होंने पढ़ा तो पता चला कि उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने तो सिर्फ प्रोड्यूसर को परेशानी ना हो इसीलिए ऐसा किया था, लेकिन ये तो रिकॉर्ड बन गया। असल में उन्हें कुछ दिन के लिए देश से बाहर जाना था और जाने से पहले वो अपना सारा काम खत्म करके जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए, जो कि एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन गया। कुमार शानू कहते हैं कि उनके मेन कॉम्पिटिटर हमेशा से उदित नारायण रहे हैं। हालांकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका नहीं जाने देते। हिंदी के साथ साथ कुमार शानू ने बंगाली, मराठी, भोजपुरी, उड़िया, मलयालम, कन्नड़ जैसी कई भाषाओं के गाने गाए हैं। गाने गाने के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में संगीत भी दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। 2006 में उन्होंने ये संडे क्यों आता है नाम की फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, लेकिन ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। 90 के दशक में रोमांटिक गाने की जान कहे जाने वाले कुमार शानू का एक समय ऐसा भी आया था जब बदले दौर में संगीत का मौसम बदलने लगा तो कुमार शानू ने संगीत से दूरी बना ली। कुमार शानू का करियर तो बेहतरीन रहा, लेकिन अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उसमें काफी उतार चढ़ाव रहे। उन्होंने 2 शादियां की और कई हस्तियों के साथ उनके संबंधों की खबरें भी आती रहीं। कुमार शानू की पहली शादी 80 के दशक में रीता भट्टाचार्य नाम की महिला से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। दोनों एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से जानते हैं। उसके बाद बॉलीवुड में अपना करियर बनाया उन्होंने और शादी कर ली। 1988 में उन्हें पहला बेटा हुआ, इसके बाद उनके 2 और बेटे हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था और उनका एक छोटा सा परिवार भी बन चुका था। इसी बीच शानू दा सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और खूब नाम और शोहरत हासिल कर रहे थे। ये
1990 के समय की बात है जब उनका नाम एक अभिनेत्री कौनिका लाल के साथ जोड़ा गया। कुछ ही दिनों बाद कुमार शानू ने खुद को मीनाक्षी शेषाद्री के प्रति आकर्षित भी पाया, जो 1990 के दशक के सबसे आकर्षक और खूबसूरत अभिनेत्री थी। दोनों पहली बार महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर शो पर मिले थे। इस फिल्म का मशहूर गाना जब कोई बात बिगड़ जाए कुमार शानू ने ही गाया था। कहते हैं कि शानू द मीनाक्षी की खूबसूरती के कायल हो गए थे और उनकी मुलाकातें होने लगी। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों ने ही अपने रिश्ते को लगभग 3 साल तक गुप्त रखा था, लेकिन 1993 के दौरान शानू दा के सेक्रेटरी के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि शानू दा की कई गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन फिलहाल वो अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री के साथ बिजी हैं और उन्हें डेट कर रहे हैं। कुमार शानू ने शुरू में इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन अंत में उन्होंने मीनाक्षी के साथ अपने संबंध को स्वीकार कर लिया। फिर शुरू हुई एक कानूनी लड़ाई, जिसके बाद 1994 में उन्होंने अपनी पत्नी रीता से तलाक ले लिया। उनके तीनों बेटों की कस्टडी उनकी पत्नी रीता को ही मिली। कुमार शानू को अपने बच्चों से मिलने के लिए हर महीने एक मोटी रकम देनी पड़ती थी। इसी बीच मीनाक्षी भी कुमार शानू से अलग हो गई। इसके बाद 1995 में एक NRI बिजनेसमैन से शादी करके मीनाक्षी विदेश में सेटल हो गई। इधर कुमार शानू की मुलाकात लंदन में रह रहे एक बंगाली परिवार की लड़की सलोनी भट्टाचार्य से हुई। कुछ मुलाकात हुई, जल्दी दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इसे कुमार शानू को 2 बेटियां हुई। वो लंदन में अपनी माँ के साथ रहती हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़ी बेटी शैनन ने 2014 में UK में अपना अंग्रेजी संगीत का एल्बम भी जारी किया। उन्होंने नई दिल्ली में कुमार शानू विद्या निकेतन नामक अनाथ बच्चों का एक स्कूल भी खोला है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले कुमार शानू छोटे पर्दे पर सिंगिंग शो को जज करते नजर आते हैं। कुमार शानू को अब तक दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं। 2009 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 2015 में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। 2018 में इन्हें UK हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी सम्मानित किया गया था। कुमार शानू के संगीत का सफर बेहतरीन रहा है, लेकिन फिर भी निजी जिंदगी में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ खुश हैं और सुखी जीवन जी रहे हैं।